जब हम कोरोना की वैक्सीन लेके आए थे, हमारी सरकार ने अथक प्रयास किए, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अथक सर्च रिसर्च करने के बाद इस 9 महीने के अंदर मात्र वैक्सीन हमने बनाई। आज उसी वैक्सीन को लगा के पूरा समाजवादी कुर्बा घूम रहा है और इसी वैक्सीन के ऊपर इन्होंने सबसे सवालिया निशान उठाए थे। और अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस वैक्सीन को मैं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन, जाओ मैं नहीं लगवाता हूँ, जब समाजवादी की सरकार आएगी तब हमारी सरकार बनाएगी तो हम लगवाएंगे। आज उसी वैक्सीन को लगा के घूम रहे हैं। और मगर एक एक समुदाय को इन्होंने जरूर इस वैक्सीन से दूर किया, उनको भ्रम में डाल के कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको लगवाना नहीं। तो ये इस तरह का झूठ फैलाने वाले लोग हैं, इनके विषय में मैं कभी ये तो उम्मीद लगा ही नहीं सकता हूँ कि ये सच बोलेंगे और एक साफ सुथरा शासन देंगे। अभी देखिए कि 3 चरण से पहले पहले अखिलेश जी ये कह रहे थे हम तो जीत रहे, हमें भारी संख्या में मत मिल रहा है और हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है चुनाव प्रचार करने की। इसी तरह से जब उन्होंने करहल में जाके अपना नामांकन दाखिल किया तो क्या कहा था कि अब तो मैं सिर्फ यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने आऊंगा, प्रचार की जरूरत नहीं है। मगर उन्हें 2 दिन बाद ही याद आ गया कि अपने बूढ़े पिताजी को जिनसे चला नहीं जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और उन्हें वहां करहल में लाना पड़ा। और चौथे चरण आते आते तो वो श्रीमती की पत्नी को भी साथ में लेके बाहर आ गए, तो ये क्या दर्शाता था? एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि बीजेपी साफ हो रही है और दूसरी तरफ आपके अंदर इतना डर प्राप्त हो चुका है, बीजेपी के खौफ से इतने खौफनाक हो चुके हो कि अब तो आप पत्नी को भी साथ में लेके घूम रहे हो। ठीक है।